तो हाय फ्रेंड्स, तो चलिए आज बनाते बाटा मछली की ग्रेवी, मतलब कांदा टमाटर डाल के ग्रेवी। और मेरी चैनल पे बाटा मछली की मस्टर्ड पेस्ट के साथ भी वीडियो डाला हुआ है, तो मैं डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक डाल दूँगी, आप लोग देख लेना। तो चलिए आज बाटा मछली छोटा छोटा है तो उसके ऊपर मैं हल्दी और नमक लगा के अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे एक साथ। अच्छे से मिक्स करना जैसे सब पे ऊपर लगे ऐसा। तो चलिए हो गया, अभी मैं गैस चालू करके तेल गरम करने के लिए रखती हूँ, क्योंकि तेल जितना गरम रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा, मतलब फिश चिपकेगा नहीं कढ़ाई पे। तो देखिए, आप लोग देख ही सकते हैं कि मेरे कढ़ाई पे जो तेल है बहुत ही गर्म हो चुका, धुआं भी निकल रहा है। तो अभी डालेंगे फिश एक एक करके, सारे के सारे मछली मैं डाल दूंगी कढ़ाई पे। और तब तक मैं, जब तक फिश फ्राई हो रहा है तब तक मैं कांदा और टमाटर काट लेती हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ तो, मतलब ग्रेवी बनेगा ज़्यादा कुछ तो नहीं पड़ेगा, कांदा टमाटर ही पड़ेगा। आप लोग के पास धनिया रहता है तो धनिया भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो इससे ही मैं बनाती हूँ सिंपल प्रोसेस से। देखिए मेरा मछली एक साइड से अच्छे से फ्राई हो चुका है, दूसरा साइड से मैं एक बार पलट दूंगी। देखिए इतना कढ़ाई अच्छे से गर्म होने के लिए थोड़ा सा भी नहीं चिपका मेरे कढ़ाई पे। तो चलिए मेरा फिश अच्छे से फ्राई हो गया है, मैं इसको अलग ही बर्तन पे, मतलब अलग ले लेती हूँ। और ऐसे फ्राई हो गया ना, ऐसे भी आप लोग फ्राई हुआ फिश अभी भी खा सकते हैं, ऐसा मेरी बेटी को तो ऐसा फिश फ्राई बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो गया, दो बड़ा बड़ा था तो मैंने बीच में से काट के उसको एक साथ ही, मतलब आज ग्रेवी बनाऊंगी। तो उसी कढ़ाई पे थोड़ा सा पांच फोरन डाल के मैं थोड़ा जैसे स्मेल आ जाए उसके बाद, तो मैं कांदा जो काट के रखा था, कांदा उस साइड जगह है तो मैं बोली कि टमाटर भी डाल देती हूँ, क्योंकि आजकल का टमाटर जितना मतलब कड़क है, आलू बॉयल हो जाते टमाटर मतलब ये नहीं होता, बॉयल नहीं होता है। तो टमाटर के ऊपर थोड़ा सा नमक, थोड़ा जल्दी पिघलने के लिए, अभी सब एक साथ मिक्स करेंगे। जब तक कांदा टमाटर मिक्स हो रहा है तब तक दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कैसे लगता है। और मेरी चैनल पे जाके आप सारे के सारे रेसिपी आप देख सकते हैं। अभी तो दो हरी मिर्च डाल देंगे, क्योंकि तेल झाल मतलब ग्रेवी बनाना है तो ऐसे ही बनाओ, ज़्यादा मसाला इसमें पड़ेगा नहीं, सिर्फ कांदा टमाटर बस और कुछ नहीं। देखिए आगे का प्रोसेस, थोड़ा सा अभी पानी डाल देंगे, मतलब ज़्यादा सूखा सूखा होगा ज़्यादा तो, मतलब ये पानी वाला तो नहीं होगा ना, तो इसलिए अभी इसके ऊपर हल्दी और थोड़ा सा मिर्च पाउडर, मुझे तीखा ज़्यादा नहीं खाना है इसलिए, आप लोग खा सकते तो डाल सकते हैं। बस अभी एक एक करके सारे मछली हम लोग डाल देंगे। बस हो गया, 10-15 मिनट के लिए मैं सिर्फ इसको ढक्कन डाल के रखूँगी। देखिए 10-15 मिनट बाद कलर तो बहुत ही मस्त आया है। और एक एक करके सारे मछली को मैं थोड़ा पलट दूंगी, क्योंकि उस दूसरा साइड पे ग्रेवी लगना चाहिए। देखिए बस मेरा हो गया, मैंने अलग बर्तन पे उठा लिया, कैसे लग रहा है दोस्तों बताइए, बहुत ही सुंदर टेस्टी। एक भी मछली देखिए अब मतलब टूटा नहीं है, वैसे के बस वैसा ही है, मैं दिखाती हूँ तोड़ के अंदर कैसा है। छोटी मछली है इसलिए आपको लगेगा अंदर कुछ नहीं, पर अंदर भी